हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स मार्वल। जो मैच हम अब कवर करने जा रहे हैं वो है ड्रीम इलेवन मैच बिटवीन एवर्टन एंड वेस्ट हैम यूनाइटेड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पॉइंट्स टेबल की ओर देख लेते हैं। पॉइंट्स टेबल में एवर्टन इज़ एट द फोर्थ पोजीशन एंड वेस्ट हैम इज़ एट द टेंथ पोजीशन। एवर्टन हैज स्कोर्ड 29 पॉइंट्स एंड वेस्ट हैम हैज स्कोर्ड 23 पॉइंट्स एंड वेस्ट हैम हैज प्लेड वन गेम एक्स्ट्रा। उन्होंने 16 मैचेस में 23 पॉइंट्स लिए हैं और एवर्टन ने 15 मैचेस में 29 पॉइंट्स लिए हैं। लुकिंग एट द लास्ट 5 मैचेस का फॉर्म, एवर्टन का फॉर्म जो है बहुत ही अच्छा रहा है। दे हैव हैड 4 स्ट्रेट विक्ट्रीज इन द लास्ट 4 मैचेस और उससे पहले वाला मैच उनका ड्रॉ रहा था। ऑन द अदर हैंड वेस्ट हैम का थोड़ा डिप इन फॉर्म रहा है। दे वर वेरी हाई इन द टेबल इन द अर्लियर स्टेजेस बट अभी थोड़ा सा लास्ट 5 मैचेस में उनका फॉर्म थोड़ा सा डिप रहा है। दे हैव हैड ओनली 1 विक्ट्री, 1 लॉस हुआ और 3 ड्रॉज हुए हैं। तो वेस्ट हैम इज राइट नाउ एट द 10th पोजिशन। फ्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ गोलकीपर्स वी आर पिकिंग लुकास फैबियांस्की फॉर टुडेज मैच। वेस्ट हैम के अगेंस्ट शॉट्स ऑन टारगेट जो है वो 65 रहे हैं कंपेयर्ड टू एवर्टन्स 58 एंड वी थिंक दैट टुडे ऑल्सो एवर्टन विल कम आउट एन अटैक एंड फैबियांस्की विल गेट अ लॉट ऑफ चांसेस टू मेक सेव्स। मूविंग ऑन टू डिफेंडर्स, येरी मीना हैज बीन वेरी इन्फ्लुएंशियल इन Everton performing so well over the last 4 or 5 matches. So we picked Yerry Mina. West Ham ki or se Aaron Cresswell does a lot of work defensively and he gets involved in attacking moves as well. Crosses wagera karte hain and he creates chances. So Aaron Cresswell is also part of our team. Michael Keane has been a stellar performer this year for Everton. He's been consistently racking up a lot of Dream 11 points, so we have picked him also. And we are also taking Ben Godfrey as the fourth defender. He has been very, very influential in the last 4 matches. Aur hamesha dream team mein rahe hain in the last 4 or 5 matches. He's been performing really well and he provides good value for 8 credits. So friends, we have picked 3 Everton defenders and we are covering the chance of an Everton clean sheet also. Jo ki possible hai unka ghar pe match hone ki wajah se. Moving to midfield, Ames Rodriguez will sit out of this match also. He is not yet recovered. So, Ames Rodriguez ko hum start nahi karwa rahe hain. We are starting Gylfie Sigurdsson, who has had a very good record against West Ham. He tends to either score or assist in matches wherever he plays against West Ham. So, Sigurdsson ko humne start kiya hai. Apart from Sigurdsson in midfield from Everton, we have taken Jared Bowen and Thomas Suchet from West Ham. Moving over to forwards. Dominic Calvert-Lewin, although he's been off form in the last 4-5 matches, एकदम से गोल ड्राउट सा उनका लग रहा है। उन्होंने लास्ट के 2-3 मैचेस में स्कोर नहीं किया और उससे पहले भी असिस्ट ही कर पा रहे थे, गोल नहीं कर पा रहे थे। बट इन टर्म्स ऑफ ड्रीम 11 पॉइंट्स, शॉट्स ऑन टारगेट और चांसेस क्रिएट करने के पॉइंट्स उन्हें मिलते रहे हैं एंड वी थिंक ही इज़ लॉन्ग टाइम ड्यू और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। रिचार्लिसन फिट होकर वापस आ रहे हैं, पिछले हफ्ते कंकशन की वजह से बाहर हुए थे और नेक्स्ट मैच प्रिकॉशनरी इनको वेटिंग में रखा गया था। सो ही इज़ रिटर्निंग टू द टीम। इनके मैनेजर कार्लो एंचेलोटी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रिचार्लिसन विल बी फिट। और वेस्ट हैम की तरफ से एंटोनियो को हमने लिया है, हु केम ऑफ द बेंच इन द लास्ट मैच। सो अगर डेविड मॉयस उनको रिस्क करते हैं स्टार्ट कराना तो माइकल एंटोनियो भी तुम्हारी टीम में होने चाहिए। इन केस एंटोनियो डज नॉट स्टार्ट देन सेबेस्टियन हेलर को हम पिक करेंगे बट दैट विल बी आफ्टर द फाइनल लाइनअप्स आर अनाउंस्ड। सो फ्रेंड वी विल बी कमिंग आउट विद द फाइनल टीम ऑल्सो वंस द मैनेजर्स गिव आउट द फाइनल लाइनअप्स। रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर आर वीडियोज एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर चैनल बिकॉज वी शेयर द ड्रीम इलेवन टीम्स आफ्टर द लाइनअप्स आर अनाउंस्ड। In terms of captain and vice captain, we have picked Dominic Calvert-Lewin as the captain and Richarlison as our vice captain. Another good vice captain and captain pick is Gylfie Sigurdsson. जैसे हमने बताया कि he's been very influential in all games against West Ham. तो वह काफ़ी अच्छा perform करते हैं West Ham के against. So guys, finally, whenever the final teams are out, we will be out with our final team and in that team we will let you know our captain and vice captain choices and who will be starting. Thanks for watching.